एक बार प्लीज कंफर्म कर दो इफ आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू यू गाइस। एक बार फटाफट कंफर्म कर दो सो वी कैन स्टार्ट विद दिस क्लास। इट्स गोना बी अ शॉर्ट सेशन ओनली, है ना। आज न्यूज़पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था अबाउट दी कैन बेटवा लिंक कैनाल। तो क्या इशू है, व्हाई इज देयर सो मच कंसर्न अराउंड इट, हम वो डिस्कस करेंगे। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है रिगार्डिंग द सेम, सो लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल। ओके, सो हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई बी स्टार्टिंग दिस इन अ मिनट, ठीक है, एक मिनट में स्टार्ट करते हैं, लेट एवरीबडी ज्वाइन इन। तो ये मैं बहुत फटाफट करूंगा, आई विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड विल कंप्लीट दिस वेरी क्विकली। दी कैन बेटवा लिंक कैनाल, काफी ज्यादा ये न्यूज में रहा है, लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा था ये। सो विल डिस्कस दिस इन कंप्लीट डिटेल इन दिस सेशन। तो ये काफी बड़ा एक 221 किलोमीटर बड़ा एक प्रपोज कैनाल है, ठीक है। तो उसको लेके काफी सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं। तो वो क्या कंसर्न्स हैं एंड व्हाई इज इट यू कुड से क्रिएटिंग सो मच कंट्रोवर्सी अराउंड द कंट्री, वो डिस्कस करेंगे। आई एम होपिंग आप लोगों ने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा थोड़ा सा, है ना। आई एम ग्रेट, आई होप यू गाइज आर ऑल्सो डूइंग वेल। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो गाइज मस्ट हैव रेड अबाउट दिस इन न्यूज़पेपर्स एज वेल, सो आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल। मैं डिस्कस करूंगा कैन बेटवा लिंक कैनाल के बारे में एंड आई वोंट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, है ना। मैं फटाफट आप लोगों से डिस्कस करके उसको खत्म करूंगा, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबडी, वेरी गुड इवनिंग गाइस। वेरी गुड इवनिंग गाइस। सो आई विल स्टार्ट दिस नाउ, ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते एंड देन वील एंड दिस क्विकली एज वेल। तो कैन बेटवा लिंक कैनाल इज बेसिकली अ लिंक कैनाल जो एमपी और यूपी की दो रिवर्स हैं उनको लिंक करेगा एंड वील डिस्कस दैट इन कंप्लीट डिटेल। लेट्स स्टार्ट दिस। सो यहाँ पर आई थिंक यू गाइज नो दैट वी आर डूइंग एन इवेंट टुमारो जिसमें वी गोइंग टू रिवॉर्ड आर क्लैट टॉपर्स, है ना। तो जो साहिल गुप्ता हमारा ऑल इंडिया रैंक 2 था इस बार, he was our plus student, so he will be getting 10 times the fees he paid to our academy, okay. So basically we will cover his first year's college fees. So yahan pe all india rank 2 Sahil Gupta will get 10 times what he paid to our academy and Komal Gadwal was all india 96 will also get. So agle saal agar aap log bhi top 100 mein aoge to aapko major awards milenge aur jo top 2000 rankers hain usko bhi unko bhi award mil rahe hain, so you guys can also feature in this category. So these awards are applicable only to the plus and iconic subscribers on our academy, so you guys can take a subscription, start preparing with this properly. Sabse important baat hai ki this is the best time to take a subscriptions. You can use the code Keshav Live and get 20% off because there's a Republic Day offer going on. Okay, kal hamara Republic Day hai, to uska offer abhi hum log kar rahe hain. So this particular you could say subscriptions can be used for 6 months, 6 months se leke 24 month tak. To 6 months, 12 months ka subscription aap le sakte ho yahan pe, ठीक है, 18 मंथ्स का ले सकते हो और 24 मंथ्स का ले सकते हो। तो अगर आप क्लैट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन यू कैन टेक अ 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। अगर आप क्लैट 23 के लिए प्रिपेयर सॉरी 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन यू कैन टेक अ 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, वो कर सकते हो आप। सो दीज आर टू सब्सक्रिप्शन दैट आर अवेलेबल राइट नाउ एंड यू गाइस कैन श्योरली टेक दिस। उसके अलावा एकेडमी हैज टू काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में यू गेट एक्सेस टू ऑल दी क्लासेस, क्लासेस के अलावा यू गेट फिजिकल नोट्स व्हिच आर डिलीवर्ड एट योर रेस्पेक्टिव हाउसेस एंड नोट्स के अलावा आपको एक मेंटर दिया जाता है जो आपको गाइड करता रहता है। एंड प्लस सब्सक्रिप्शन में यू गेट एक्सेस टू ऑल दी क्लासेस, आपको सारी क्लासेस मिलती है वहां पे। सो लेट्स गेट गोइंग, ये हम नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं 27 से, इसका पार्ट बन सकते हो अगर आप क्लैट 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो क्लैट एंड एलिट के लिए बैच रहेगा टारगेट एनएलयू, केशव लाइव कोड रहेगा, 20% ऑफ में मिल जाएगा। मैं इसमें आपको करंट अफेयर्स के लिए गाइड करूंगा, सो आई विल बी टेकिंग करंट अफेयर्स इन दिस बैच। जनवरी 27 से ये स्टार्ट होगा, आप लोग अभी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, है ना। यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद अस, आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू फॉर करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग एज वेल एज फॉर मैथ्स आफ्टर सम टाइम, ठीक है। मैं मार्च अप्रैल से मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको। तो एलएलबी ड्रीम एक और बैच है यहाँ पे फॉर 6 months कोर्स फॉर 3 ईयर एलएलबी एग्जाम, आप लोग इसका भी पार्ट बन सकते हो, है ना। 6 months ये, लेकिन ये 3 ईयर एलएलबी के लिए, दिस नॉट अ 5 ईयर एलएलबी, दिस ओनली फॉर 3 ईयर एलएलबी। तो अगर आप 5 ईयर दे रहे हो तो दिस इज नॉट फॉर यू। एज लीगल एक और बैच है, अगर आप क्लैट 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो केशव लाइव कोड यूज करके इसमें आपको 20% ऑफ मिल जाएगा ऑन 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग और अपना यू कैन जॉइन एनी नंबर ऑफ बैचेस ऑन एकेडमी। तो ऐसा नहीं कि आपने एक बैच में एनरोल किया तो आपको वही बैच में पढ़ना पड़ेगा। मान लो आपको मेरे से दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप मेरे से दो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो अलग अलग बैचेस में, दैट इज नॉट एन इशू,
चलो अब केन बेटवा क्या है? सो मैं आपको सिंपल सा भी एक्सप्लेन करूंगा। आज ही न्यूज़पेपर में काफी बड़ी एक जो कुछ से वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आया है कि स्टीयरिंग कमेटी जो केन बेटवा लिंक कैनाल के लिए बनाई हुई है, जो केन बेटवा लिंक कैनाल के लिए गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ कंसर्न रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कैनाल इन 22 एज वेल। ठीक है, 21 में इसको फाइनल अप्रूवल मिला था और 22 में भी काफी बार इसकी न्यूज आई थी कि भाई यहाँ पर ये इशू है वो इशू है, तो कुछ कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो अभी जो पर्टिकुलर यू कुड से मीटिंग हुई है स्टीयरिंग कमेटी की 18 जनवरी को दिल्ली में हुई है। ठीक है, दैट मीटिंग हैज हैपेंड इन दिल्ली एंड वाज चेयर्ड, जिसके चेयरपर्सन थे दैट वाज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो उन्होंने ये बोला कि जो केन बेटवा लिंक कैनाल है ना, ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है नेशनल गवर्नमेंट का, दैट इट इज क्रिटिकल। देखो एक रीजन है जो थोड़ा यूपी में आता है और थोड़ा एमपी में आता है, बेसिकली इनके बॉर्डर्स पे आता है, विच इज कॉल्ड द बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, आप लोग हो सकते हैं कुछ लोग शायद वहां से बिलोंग भी करते हो, बुंदेलखंड रीजन है। तो बुंदेलखंड में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वाटर सिक्योरिटी इज बिकम अ ह्यूज इशू इन दिस रीजन, कि भाई लोगों के पास पानी नहीं है प्रॉपरली एंड वाटर सिक्योरिटी एक काफी बड़ा यहाँ पर मैटर हो गया है। तो वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और उस एरिया को डेवलप करने के लिए यहां पर केन बेटवा लिंक कैनाल बनाया जा रहा है ना। दिस पर्टिकुलर कैनाल इज बीइंग मेड ताकि वो दोनों रिवर्स के वाटर को शेयर कर सके। मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूँ कि है क्या, ये लिख लो इंपॉर्टेंट फैक्ट। इट्स अ 221 किलोमीटर लॉन्ग प्रपोज कैनाल। ठीक है, 221 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल होगा। आपने एमपी में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा, कॉल्ड द पन्ना नेशनल पार्क या पन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वहां पर एक नेशनल पार्क है जो एक तरह से ऐसा माना जा रहा है कि इस नेशनल पार्क को काफी नुकसान होगा। ठीक है, उसके नेशनल पार्क को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम कैनाल बनाएंगे तो हमें काफी सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। तो मैं आपको उसका एक एस्टिमेट बताता हूँ कि लोगों ने क्यों क्यों उस पर कंसर्न यू कुछ से रेज किए हैं एंड वॉट एग्जैक्टली इज द केन बेटवा लिंक कैनाल, ये है क्या चीज, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो अभी प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या करने वाले, प्लीज ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने नोट में भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, कि जो केन रिवर है, केन रिवर से बेटवा रिवर में पानी जाएगा इस कैनाल के थ्रू। ठीक है, देर आर टू रिवर्स, केन रिवर एंड बेटवा रिवर। तो केन रिवर से बेटवा रिवर में पानी ट्रांसफर किया जाएगा थ्रू दिस पर्टिकुलर कैनाल और एक डैम कंस्ट्रक्ट होएगा विच इज कॉल्ड द दौधान डैम। ठीक है, दौधान डैम करके डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो कि इन दोनों रिवर्स को कैनाल और डैम मिलके कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इन दो रिवर्स को मेजरली वो लोग कनेक्ट करेंगे और जो इन रिवर्स पर बाकी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बने हुए हैं वो अपने आप ही फिर ऑब्वियसली कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यू कुड से इस पर्टिकुलर रीजन को बचाने के लिए, उसको पानी देने के लिए, उसको वाटर की सिक्योरिटी देने के लिए काफी इंपॉर्टेंट यू कुड से गवर्नमेंट का प्लान है। तो द प्रोजेक्ट इज स्लेटेड टू इरिगेट 10.62 लाख हेक्टेयर्स एनुअली, इतना हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हर साल ये इरिगेट कर पाएगा। तो सोचो कितना ज्यादा है, 10.62 हेक्टेयर्स, दिस इज सच अ ह्यूज नंबर। ठीक है, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू 62 लाख पीपल एंड जनरेट 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर एंड 27 मेगावाट ऑफ सोलर पावर। तो इतना बड़ा पॉपुलेशन को इतना ज्यादा वाटर सिक्योर बनाया गया पर्टिकुलर डैम एंड इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, 62 लाख पीपल आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय दिस पर्टिकुलर डैम एंड 10.62 लाख हेक्टर्स एनुअली इरिगेट कर दिए जाएंगे, राइट? तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो बुंदेलखंड रीजन है दैट्स अ वाटर स्टार्व्ड रीजन। आई थिंक वी हैव समबडी फ्रॉम बुंदेलखंड रीजन एंड किसने कहा था कि आई एम फ्रॉम देयर, है ना, वी हैव समबडी इन दिस क्लास ऑल्सो फ्रॉम बुंदेलखंड, ईशांत है वहां से। तो ईशांत आई थिंक आप यू कैन टेल ऑल ऑफ अस कि वहां पर क्या पानी की क्या प्रॉब्लम है और क्या इशू है ना। आई एम प्रेटी श्योर कि इतना सारा न्यूज में है तो देर इज अ मेजर वाटर इशू देयर। तो वहां पे जो पूरा बुंदेलखंड रीजन है जो एमपी और यूपी एरिया में फैला हुआ है, उस एरिया में काफी ज्यादा पानी की इशूज हैं और वो पानी के इशू को यहां पर सॉर्ट किया जाएगा। ठीक है, दो इश्यूज विल बी सॉर्टेड हियर।
एंड ऑब्वियसली जब वहां पर ऐसी सारी चीजें मिलती है तो काफी इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी होती है, बिकॉज लोगों को काम मिलता है, एग्रीकल्चर बेटर हो जाता है, राइट? तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाता है वहां पे. आज अगर कहीं पर पानी ही नहीं है तो बिना पानी के एग्रीकल्चर कैसे करेंगे आप? वी विल नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू, यू कुड से, टू बेसिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑल्सो. तो ये पानी आ जाएगा, सो इट विल हेल्प बूस्ट आर सोशियो इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी एज वेल. ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी को बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा इन द बैकवर्ड बुंदेलखंड रीजन ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज वेल. किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा उसको ये बूस्ट करेगा, राइट? अभी एक्चुअली क्या हो रहा है, सिंस बुंदेलखंड रीजन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, वाटर स्टार्व्ड रीजन है और काफी दिक्कत है, तो लॉट ऑफ पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम दैट रीजन एंड दे आर माइग्रेटिंग टू अदर रीजन. वो रह ही नहीं रहे यहाँ पे, है ना, उस जगह को छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं, किसी कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जा रहे हैं, कोई दूसरी जगहों पर जा रहे हैं. दे डोंट वॉन्ट टू स्टे हियर बिकॉज वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिलीज, सो वॉट इज द पॉइंट ऑफ स्टेइंग देयर? तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये डैम का प्रोजेक्ट शुरू किया है, सो दैट जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन हो रहा है ना, कि भाई वी हैव नथिंग हियर, हाउ डू वी अर्न मनी, हाउ डू वी फीड आर फैमिलीज, इसलिए बहुत सारे लोग शिफ्ट कर रहे हैं वहां से अलग अलग जगहों पे. तो ऐसा गवर्नमेंट का मानना है कि अगर ऐसा लिंक कैनाल बन जाएगा और वहां पर भी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, तो शायद लोग वहां पर रुके और उन एरियाज में रहकर ही काम करें, ये गवर्नमेंट का मानना है. अब इसमें कंसर्न क्या है ये समझते हैं. तो एक्टिविस्ट क्या पता है प्रोटेस्ट करते हैं, तो वहां पर जैसे मैंने आपको बताया था एक पन्ना नेशनल पार्क है एमपी, एमपी में है ना, दिस इज पन्ना नेशनल पार्क इन एमपी. वो बोल रहे हैं कि अगर पन्ना, अगर ये पर्टिकुलर कैनाल बना तो पन्ना नेशनल पार्क पूरा पानी के नीचे चला जाएगा, राइट? नियरली 8650 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड इंक्लूडिंग अ पार्ट ऑफ पन्ना नेशनल पार्क इन एमपी विल बी सबमर्ज इन द प्रोजेक्ट इफ द प्रोजेक्ट वर टू बिकम अ रियलिटी. तो अगर आपने इसको बनाया तो देखो, हम लोग बहुत बहुत बार बात करते हैं कि भाई जो कुछ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, नेशनल पार्क्स होते हैं, तो उनको हमें टच नहीं करना चाहिए. मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक वो इको सेंसिटिव जोन वाला इशू भी पढ़ाया था, वो जो 10 किलोमीटर वाला इको सेंसिटिव जोन होता है, हमने डिस्कस किया था, ठीक है? तो इको, आप 10 किलोमीटर के अंदर अंदर तो कुछ नहीं बना सकते, बट ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ना, तो उसके ऊपर से ही जा रहा है. सो 8650 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज गोइंग टू बी सबमर्ज अंडर वाटर अगर ये होता है तो, ठीक है? सो इट विल ऑल्सो हैव एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द रीजन. जो बाकी जो छोटी मोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह है ना, उनको भी काफी ज्यादा नुकसान होगा, राइट? तो अब क्या होता है कि जैसे आपको ये पता होगा कि जब भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनता है तो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के क्लियरेंसेज लगते हैं, है ना, क्लियरेंसेज लगते हैं. जब तक वो क्लियरेंसेज नहीं देंगे, आप प्रोजेक्ट को आगे नहीं ले जा सकते. तो अब वहां पर क्योंकि इट इज गोइंग थ्रू सर्टेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क की जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, दैट इज द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज द रेगुलेटिंग अथॉरिटी फॉर दैट. तो उन्होंने इस पर्टिकुलर कैनाल के प्रोजेक्ट को ग्रीन शीट दिया था, ठीक है, दे अग्रीड टू इट, बट उन्होंने कहा था कि क्लियरेंस हम आपको कुछ कंडीशंस पर देंगे, ठीक है? वी विल एक्चुअली इंपोज सर्टेन कंडीशंस ऑन यू, और ऐसा नहीं कि आप अपने आप ही आप पूरा हमारा हैबिटेट ही खत्म कर दो वहां पे. तो उन्होंने कहा था कि भाई द एनबी इट वाज रिक्वायर्ड दैट द प्रोजेक्ट वुड वारंट द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम कोर एरिया ऑफ द पन्ना टाइगर रिजर्व. तो उन्होंने कहा था कि पन्ना टाइगर रिजर्व का जितना भी पार्ट इस प्रोजेक्ट के अंडर आ रहा है वो नहीं आना चाहिए, है ना, वहां से आप हटा दो उसको. सो नो अमाउंट ऑफ लैंड शुड फॉल अंडर दी पन्ना टाइगर रिजर्व, आई मीन नो पार्ट ऑफ कैनाल जो ये नया प्रोजेक्ट बन रहा है, इट शुड फॉल अंडर दी पन्ना टाइगर रिजर्व, उसके अंडर नहीं आना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके? तो यहां पर उन्होंने कुछ कंडीशन जो बेसिक बेसिक बोली थी, अपनी लैंग्वेज में लिखना, ठीक है, पूरी स्लाइड लिखने की जरूरत नहीं होती है कभी भी, क्योंकि नैरेटिव इन ओन लैंग्वेज. टू बेसिकली टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस ऑफ टाइगर हैबिटेट एंड टू कंप्लीट द बैन ऑफ फ्रेश माइनिंग लीज इन द एरिया. तो उन्होंने कहा था कि भाई कोई भी फ्रेश माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी, क्योंकि माइनिंग से भी आपको पता है ना कि काफी ज्यादा नेचुरल हैबिटेट खराब होता है. तो इसलिए आपका जो टाइगर हैबिटेट का नुकसान होगा, टाइगर हैबिटेट मतलब जिन एरियाज में टाइगर रहते हैं उनका जो नुकसान होगा उसका आप कॉम्पेंसेट करोगे, यू विल प्रोवाइड देम न्यू एरियाज, और आसपास वाले एरिया में कोई भी माइनिंग नहीं की जाएगी, ठीक, कोई भी माइनिंग नहीं की जाएगी. वहां पर कुछ कुछ सेंचुरीज है, एक रानीपुर जगह है वहां पे, एक रानी दुर्गावती करके जगह है वहां पे, उसको भी पन्ना टाइगर रिजर्व के अंडर इंटीग्रेट करोगे, मतलब वहां के जो यू कुड से एनिमल्स वगैरह हैं या फिर जो भी उनका हैबिटेट वगैरह है उसको आप पन्ना के अंडर इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि उनकी कंडीशन ये है कि पन्ना इसके अंडर नहीं आएगा. तो पन्ना टाइगर रिजर्व है या पन्ना नेशनल पार्क है, दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस. तो
तो आप बाकी जो सारे फ्लोरा फौना है उनको वहां पर उनको उस तरफ शिफ्ट करोगे और इस तरह से प्रोजेक्ट को प्लान करोगे, ठीक है? तो आपको थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ेगा, बट दैट इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है? तो वहां पे हमने आपको बताया ना, वी डिड सेव द टाइगर प्रोजेक्ट किया था हमने इंडिया ने, और हमने काफी सारे टाइगर्स को बचाया था इस प्रोजेक्ट के अंडर। सेव द टाइगर प्रोजेक्ट किया था हमने, और हमने जो एस्टिमेट किया था ना कि हम इतने टाइम तक इतने टाइगर्स बचाएंगे, उस एस्टिमेशन से बेटर काम करके दिखाया हमने इसमें, राइट? सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज गोइंग टू बी दी मेन अथॉरिटी फॉर दिस। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसमें मेन अथॉरिटी रहेगी। दे विल हैंडल दी लैंडस्केप प्लान फॉर द एरिया विद द हेल्प ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ साथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी देखेगी कि भाई प्रॉपरली टाइगर्स को रिलोकेट किया जा रहा है, उनको ठीक ठाक हैबिटेट में रखा जा रहा है, राइट? बेसिकली उनको नुकसान नहीं हो रहा प्रोजेक्ट की वजह से। अगर उनको बहुत ज्यादा उनके हैबिटेट को नुकसान होगा, देन दे वुड नॉट हैव गिवन देम द क्लीन चिट, तो उनको वो क्लीन चिट देते ही नहीं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया कि क्या क्या बेसिस पर, किस बेसिस पर उनको वहां पर क्लियरेंसेस मिले थे? अब समझते हैं कि यहां पर दिक्कतें क्या है, मतलब वाई आर सो हार्श कंडीशंस बीइंग इम्पोज्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लैंड, आई मीन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड सो मच वाटर एंड सो मच अपॉर्चुनिटीज टू अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब सोचो आप, मोर देन 6-7 मिलियन पीपल आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस लैंड, मतलब पॉजिटिवली अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर कैनाल। तो जो केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इट विल लीड टू सबमर्जेंस ऑफ अ मेजर पोर्शन ऑफ द पन्ना टाइगर रिजर्व। ये हमने ऑलरेडी अभी तक समझ लिया है, ठीक है? जो बहुत सारे स्पीशीज है ना वहां के अलग अलग, कि चीताल है, सांबर है, वो सब के सब का जो एक तरह से खत्म हो जाएंगे वो वहां पे अगर ये बन गया तो, क्योंकि उनका हैबिटेट ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको नीचे कुछ फिगर्स बताऊंगा, फिगर्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू राइट दिस, बट ऐसा माना जाता है कि अराउंड 10% जो टाइगर हैबिटेट है वहां पे उस रिजर्व में, वो खत्म हो जाएगा। मतलब 58 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का टाइगर हैबिटेट खत्म हो जाएगा। इसका किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, इतना कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो ये तो काफी बड़ा लॉस है ना? दिस इज अ ह्यूज लॉस। तो वहां पे लिखा है द एरिया दैट विल बी सबमर्ज्ड ड्यू टू केबीआरआईएल व्हिच इज केन बेटवा रिंग लिंक कैनाल प्रोजेक्ट हैज अ रिच फ्लोरल डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी। तो जैसे कुछ है कि सांबर, चीतल, ब्लू बुल, वाइल्ड बोर, ये सब जो जानवर है ना वहां पे, जो मिलते हैं, जो एनिमल्स वहां पर मिलते हैं, जो फ्लोरा फौना की स्पीशीज वहां पर मिलती है, उनको काफी नुकसान हो जाएगा इससे, ठीक है? दे विल बी, यू कुड से, अंडर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस वंस दिस हैपेंस। सो अब यूनियन कैबिनेट ने इसका अप्रूव किया था 44,605 करोड़, ठीक है? तो पूरा का पूरा जो प्लान है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही, वो अभी बोला ना मैंने आपको स्टार्टिंग में, फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था कि द एंटायर प्लान बिलोंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? तो टोटल 44,605 करोड़ का प्लान है। तो 39,317 गवर्नमेंट फंड करेगी, 36,000 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट ग्रांट देगी, और 3,027 के आसपास लोन होगा। तो मतलब ये टोटल इतना गवर्नमेंट पैसा देगी, और उसको इस तरह से गवर्नमेंट ने डिवाइड किया है कि 36,000 करोड़ का ग्रांट और 3,000 करोड़ का लोन, इस तरह से किया जाएगा, राइट? तो दैट इज हाउ दे विल वर्क विद दिस। लोन का मतलब होता है कि जो उस एरिया की जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज है, जो मेन गवर्नमेंट्स है, उनको वो पैसा वापस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो भी उनके अग्रीड टर्म्स होंगे उसके बेसिस पे, है ना? इतना टाइम में ऐसे करके दे विल हैव टू गिव इट बैक, और बाकी जो पैसा होगा वो एज अ ग्रांट दिया जाएगा, मतलब वो पैसा यू कुड से गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी। तो कभी भी ऐसा जो प्रोजेक्ट बनता है ना, तो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की जाती है जिसको बोलते हैं, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। अब इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन? एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब होता है कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट बनने पर एनवायरमेंट कितना ज्यादा डिस्ट्रक्ट होगा, इसका पता लगता है इससे। क्योंकि देखो, आप कोई भी प्रोजेक्ट बने, अगर मान लो कहीं मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, कहीं पर सड़क बन रही है, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, कुछ भी बन रहा है, उसके लिए कुछ एनवायरमेंट हजार्ड्स तो है कि कुछ पेड़ काटे जाते हैं, कुछ नेचुरल हैबिटेट, कुछ कुछ जानवर और कुछ से फ्लोरा फौना के खराब होते हैं। तो क्या वो इतने ज्यादा खराब हो रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट, मतलब एक तरह से प्रोजेक्ट की जितनी कॉस्ट है उससे ज्यादा आप एनवायरमेंट को वेस्ट कर रहे हो?
अगर ऐसा होता है तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के बाद में उस प्रोजेक्ट को जनरली आगे नहीं करा जाता। अगर ऐसा समझ में आता है कि भाई दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, देन इट इज नॉट डन, उसको फिर आगे नहीं बढ़ाया जाता। बट अगर लगता है कि नहीं इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इट कैन बी टेकन अहेड, है ना, उसको आराम से हम आगे ले जा सकते हैं, तो उसको फिर आगे ले जाया जाता है ना, देन इट इज टेकन अहेड कि चलो ठीक है, इट कैन बी डन, किया जा सकता है उसको, राइट। दिस इज द लास्ट पार्ट, ठीक है, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आसान सा टॉपिक है एकदम। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये लिख लो। केन और बेटवा दोनों के दोनों एमपी से ओरिजिनेट होती है रिवर्स, और ये दोनों यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना खुद भी इंडिया में, इंडिया की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, यमुना इटसेल्फ इज अ ह्यूज ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी इंडिया की ट्रिब्यूटरी है, और केन और बेटवा दोनों के दोनों जो रिवर्स हैं ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। तो केन मीट्स विद यमुना इन द बंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड बेटवा इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। दोनों ओरिजिनेट एमपी से होते हैं, लेकिन जाके दोनों यूपी में मिलते हैं यमुना से। तो मैंने आपको बताया ना, जो बुंदेलखंड एरिया है जहां पर ये पर्टिकुलर कैनाल बनेगा, दैट एरिया बिलोंग्स टू एमपी एंड यूपी बोथ, ठीक है, वो दोनों का है। और जो ये केन रिवर है, दिस पासेस थ्रू द पन्ना टाइगर रिजर्व। केन रिवर पास करती है पन्ना टाइगर रिजर्व से, उस पर अगर कैनाल बन गया तो पन्ना टाइगर रिजर्व में बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना, वेयर विल दोज एनिमल्स स्टे, वेयर विल दोज प्लांट्स गो, तो इसलिए वो बड़ी इश्यूज रहेंगे। इसलिए देर आर लॉट ऑफ पीपल आर क्रिटिसाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस, है ना। इनका नाम अगर आपको लिखना है तो अपना जीके बढ़ाने के लिए लिख सकते हो, राजघाट, परीछा एंड माताटिला। माताटिला ये तीन डैम्स हैं जो बेटवा रिवर पर बने हुए हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि आजकल क्लैट में देखा गया कि काफी ज्यादा स्टैटिक के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो ये कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन है जो आपको काम आएंगे, यू कैन डेफिनेटली टेक दिस इनटू अकाउंट, समझ सकते हो आप लोग। क्लियर है गाइस सबको, ये एवरीबडी इज गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है सबको। अब अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, इफ देर आर एनी डाउट्स। क्लास हम छोटी सी थी, मैंने आपको बोला था 20 मिनट की क्लास करेंगे, अब मेरे को आप पूछ सकते हो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स। क्लियर है, ओके। फिर मैं आपको 5 PM पर मिलूंगा, 5 PM पर मैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा आप लोगों से, एंड विल डू सम क्विज क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप फटाफट आ जाओ 5 बजे से पहले लेके मेरी क्लास में। केशव लाइव मेरा कोड है, 20% ऑफ आपको मिल जाएगा अनअकैडमी पर राइट नाउ ऑन दिस, एंड लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग प्रॉपरली, लेट्स क्रैक इट, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय, हैव अ गुड डे।